कुराली दा मशहूर स्कूल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पपराली रोड कुराली जो कि CBSE बोर्ड के नाल अफिलिएटेड है। इस दी शुरुआत सन 1996 विच हुई। इतों का स्टाफ वैल क्वालिफाइड ते तजुर्बेकार है। विद्या दे नाल नाल कल्चरल एक्टिविटीज़ दे विच भी बच्चे वध चढ़ के हिस्सा लैंदे ने। कोरोना महामारी दे दौरान भी स्कूल वल्लों बच्चों नाल संपर्क साध्या गया ते उन्हां नूं ऑनलाइन क्लासिज राही पढ़ाया गया। लोग इस स्कूल नूं पंजाब दा शांति निकेतन भी कहिंदे ने। साडी टीम ने इस स्कूल दे प्रिंसिपल मैम नाल गलबात कीती जिन्हां ने इस स्कूल बारे विस्तार नाल दस्या। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल ते तुहाडा स्वागत है। अज असीं आए हां कुराली दे उस मानवते स्कूल दे विच जिहड़ा पिछले लंबे समय तों सोहां दे रहा अपनी आ, चाहे स्टडी दी गल होवे, चाहे कल्चरल एक्टिविटीज दी गल होवे, गेम दी गल होवे, चाहे लोगों नूं करैक्टर बिल्ड दी गल होवे बच्चों नूं, इह स्कूल सब तों मोहरी है। और साडे प्रीत सिंगर जी मैडम जिहड़े प्रिंसीपल काफ़ी लंबे समय तो सेवा इत्थे करदे आ रहे हैं, असीं इहनां नाल अटैच रहे हैं। और करोना दा एपीडेमिक जिहड़ा कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाला सीगा, उहदे विच भी इह स्कूल ने अपनी जिहड़ी ऑनलाइन स्टडी हैगी आ उह जारी रखी, क्योंकि पहले ही ऑनलाइन इहनां लई कोई नवीं चीज़ नहीं सीगी, पहलों दे बच्चों दे नाल इह अटैच सीगी। इस स्टडी दे विच असीं गल करन जा रहे हैं प्रिंसीपल मैडम नाल। मैडम, तुहाडा स्वागत है साडे स्पैशल शो 'च। थैंक यू मैडम। जिस तरीके दे नाल करोना दे एपीडेमिक दे विच सेवाएं जिहड़ियां होंदियां रहियां और तुसीं 24 आवर उही सेवा जिहड़ी पहलां स्कूल दे विच करदे सीगे उही सेवा तुहाडी जारी रही, और तुसीं राउंड दी क्लॉक चाहे तुसीं टीचरां नूं अपने रिलैक्सेशन दित्ती, चाहे बच्चों नूं रिलैक्सेशन दित्ती, लेकिन तुसीं उस चीज़ डटे रहे। और वह डटन का जिहड़ा नतीजा यह होया कि बच्चों नूं बोरिंग नहीं हुई, बच्चों का जिस तरीके नाल तुसीं अटैच करना चाहते उदा ही अटैच करते रहे, की कहना चाहोगे? जदों तो यह March 14 तो बाद करोना वायरस स्प्रैड होया है, उस तो बाद असी मतलब बच्चों के नाल इन टच रहे। ऑनलाइन क्लासिज असी ईवन March 22 तो स्टार्ट कर दी सी, ताकि बच्चे जिहड़े हैगे आ दे शुड बी फेमिलियर विद द न्यू क्लासिज विद द न्यू सिलेबस। उहदे नाल इह सी बच्चों के जिहड़ा है पढ़न दे टाइम दे उत्ते जां पढ़ाई दे विच कोई गैप ना पए। साडे टीचर्स ने बहुत डेडिकेशन नाल अपने लैसनस तैयार किए, ऑनलाइन स्टडीज मतलब प्रॉपर तरीके नाल करते रहे। हालांकि कुछ टीचर्स नूं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सी ऑनलाइन स्टडीज कराने की, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी कोशिश रखी। साडे टैक सपोर्ट हैगे आ, साडे अपने टीचर्स हैं, साडे डायरैक्टर साहब हैं, असी हैगे आ सारे, असी अराउंड द क्लॉक 24/7 वी आर अवेलेबल टू द पेरेंट्स, वी आर अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स, वी आर अवेलेबल टू द टीचर्स। लाइक वी हैव बीन डूइंग आर बेस्ट सिंस द लॉकडाउन हैज स्टार्टेड, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट कैन नॉट बी, यू कैन से वी कैन नॉट से व्हेन इट्स गोइंग टू एंड और इट्स अनसर्टन। सो कीपिंग इन व्यू द फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का फ्यूचर, पेरेंट्स की मनी, एवरीथिंग कीपिंग इन माइंड, वी हैव डन वट एवर वी कुड डू अंडर द ट्राइंग सर्कमस्टांसिस। जो हर एक क्लासेस के बच्चे है वह हौली हौली अटैच होने लग गए हैं। और ये स्कूल जिस तरीके असं देखा कि असी अंदर पहले एंट्री के उपर उन्होंने साडा टैंपरेचर और साडा सैनिटाइज सानू करवा के फिर अंदर जान दिता है, इस तरीके दे नाल ही सारे बच्चों पहले सैनिटाइज करके और टीचर सैनिटाइज हो गए कि यह स्कूल एक ऐसा स्कूल है कि किसी तरह की भी प्रॉब्लम बच्चों नहीं आए, वो हमेशा वचन बंद रहता, चाहे ये स्कूल में कितनी मर्जी एफर्ट्स करनी पै जा, टीचर आ जोड़े सारे वो भी उस तरीके दे नाल ही बच्चों गाइड कर रहे हैं भी घर जाके भी तुम्हें किदा रहना है, कि अपनी लाइफ में गुजार। देखो जरा अवेयरनैस कैंपेन असी अपने स्कूल वालों की सी, बच्चों ने पोस्टर स्लोगन राइटिंग ते ये सारा असी करके जरा पब्लिसाइज भी किया, जिदे नाल ताकि साढ़े बच्चे ही नहीं बाकियों भी थोड़ी बहुत अवेयरनैस होए कि असी इस जरा एपडेमिक है या जरा पेंडेमिक टाइम है ये असी कि अपने आप को बचाना है। बच्चों के साथ असी ऑफलाइन एग्जाम भी लेने 10th and 12th के इतने, क्योंकि फॉरमेट चेंज होया, असी इस करके स्कूल दे विच इन्हां दे प्री बोर्ड एग्जाम रखे ताकि बच्चे फैमिलियर होन चेंज फॉरमैट नाल। ते बच्चे साढ़े कोल ऑलमोस्ट 100% अटेंडेंस सी बच्चों ने जिन्होंने एग्जाम दिता, ते उहदे लई असी प्रॉपर प्रिकॉशन लई प्रॉपर उन्हां दा सारा सैनिटाइज करदे सी, बच्चों के रूम सैनिटाइज होए, आंदे जांदे सारे सैनिटाइज किए, टीचर स्टूडेंट्स जो भी आ रहे सी प्रॉपर प्रिकॉशन जिहड़े मतलब सानूं गाइडलाइनस है हैल्थ डिपार्टमेंट वालों असी सारियां उह फॉलो कीतियां। बाकी रहा जिहड़ा हुण साडे कोल असी बल्कि प्लैन कर रहे हैं ताकि बच्चे साडे कोल एटलीस्ट बोर्ड क्लासिज के बच्चे साडे कोल आउण,
ताकि उन्होंने जोड़े कोई डाउट्स ने या उन्होंने क्योंकि ऑनलाइन नो मैटर वट वी डू बट जदों तक प्रॉपर इंटरैक्शन नहीं होंगे उदों तक असी नहीं कह सकते भी ये मतलब उन्होंने प्रॉपरली ट्रांसमिट किया गया जो भी असी कराया बट एट द सेम टाइम नाउ वी आर थिंकिंग ऑफ ओपनिंग द स्कूल फॉर एटलीस्ट सीनियर क्लासेस वी विल ट्राई टू प्रोवाइड दैम ऑल द फैसिलिटीज वी आर गोइंग टू प्रोवाइड दैम विद द स्पेसिफिकेशन गिवन बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट ताकि बच्चों किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए असी अपने वालों पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि बच्चों की जी स्टडीज भी उन्होंने लॉस ना होए उन्होंने हेल्थ भी ठीक रहे तो अगे बोर्ड एग्जाम वास्ते प्रॉपर तैयारी कर सकन इसलिए असी मतलब बच्चों ऑलमोस्ट पहले तो असी 4 जनवरी तो स्टार्ट करना सी पर हूँ थोड़ा वैदर में देखते हुए असी थोड़ा जहा होर मतलब 15 जनवरी तो असी 10th-12th दी क्लासेस ऑफलाइन स्कूल स्टार्ट कर जो कल्चरल टीचर्स है उन्होंने अम्यूजमेंट के लिए बच्चों के लिए ऑनलाइन चीज़ा जीडिया बड़िया बच्चों दिखाई जिद बच्चे बोर नहीं हुए और बच्चों के उ स्पिरिट रही जी स्कूल के समय से रही थी क्योंकि यह स्कूल एक क्रिएटिव स्कूल है जिस दे बच्चों क्रिएटिवनेस के नाल गेम्स के नाल नई नई चीज़ों के नाल जुड़ा जाता की कहना चाहिए असी कल्चरल एक्टिविटीज हुई या क्रिएटिव एक्टिविटीज हुई असी वो ऑनलाइन बच्चों कराते रहे ईवन पंजाब के सिक्ख्या मंत्री ने जरा एक करवाया सी कंपटीशन साढ़े 5-6 बच्चों का वो काफ़ी अच्छा रैंक आया बच्चों ने पार्टिसिपेट किया टीचर्स ने गाइड किया तो असी मतलब ऑनलाइन एक्टिविटीज जिहड़ियां भी साढ़े कोल CBSE वालों आंदियां ने या साढ़े कोल पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों आंदियां या साडियां अपनियां एक्टिविटीज ने असी उन्हां नूं एज इट इज़ करवाते रहे ऑनलाइन करवाते रहे बच्चे पिक्चर्स क्लिक करके सानूं भेजते रहे असी उन्हां नूं मतलब बच्चों नूं एप्रीसीएशन करते रहे उहदे नाल सारे बच्चे जिहड़े सी उह मतलब थोड़ा जिहा पढ़ाई तो हट के मतलब होर एक्टिविटीज़ के नाल उन्हां नूं जिहड़ा ऑनलाइन पढ़ना सी उह थोड़ा सुखावन लग्या क्योंकि बच्चे जिहड़े हैं सारा दिन ही मोबाइल के उत्ते तुसीं देख सकते हो या लैपटॉप के उत्ते सारा दिन अगर बच्चे बैठे ने तो आई साइट के उत्ते या बाकी पोस्चर के उत्ते काफ़ी बैड इफेक्ट हुंदा है इहदा बट टू कीप दैम बिजी टू कीप दैम अपडेट वी स्टार्टड डूइंग द एक्टिविटीज ऑलसो वी स्टार्टड डूइंग द असाइनमेंट वर्क एंड वट एवर वी कुड डू अंडर द गिवन सर्कमस्टांसिस वी हैव ट्राइड आवर लेवल बेस्ट ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚਾਲੂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦੇਖੋ ਨਵੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਅਗੇਨ ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ ਕਿ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪੋਸਟਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਪੇਰੈਂਟਸ काफ़ी डरे हुए ने बच्चों को बाहर भेजन तो भी डरते हैं छोटे बच्चों लिए खास तौर पर तो एडमिशन देखो साड़ियाँ तो ऑलमोस्ट जड़िया है पेरेंट्स जानते हैं लोग जानते हैं सानू ज़्यादा एडवरटाइज भी नहीं करना पैंदा बच्चे अपने आप स्कूल का जोड़ा साढ़े रिजल्ट्स ने वो अपने आप च दसते हैं ताकि पेरेंट्स अपने आप सिलेक्ट करते हैं स्कूल आने वास्ते तो सानू पेरेंट्स का काफ़ी योगदान रहा स्कूल सक्सैसफुल बनाने के लिए क्योंकि जेडे पेरेंट्स साढ़े को एक बार साढ़े न जुड़े ने वो साढ़े नाल बच्चे इतों ग्रैजुएट करके ही गए ने इतने बिच विचाले साढ़े बच्चे नहीं जाते तो बाकी रहा जी एडमिशन स्ट्रैटेजीज़ है असी मतलब नवा ये तो है ही हर साल कुछ ना कुछ करते हैं इस बार असी स्विमिंग पूल बनाया बच्चों वास्ते तो वो ऑलमोस्ट रेडी है तो वो वास्ते सानू ये भी चलो समर सीजन के थोड़ा अजकल है ही अट्रैक्शन है स्विमिंग पूल बनाया इतने बाकी होर कुछ थोड़ा जहा जड़ा मोल्डेड फर्नीचर है या मोल्डेड टॉयज हैं वो सारे असी अरेंज किए ने टीचर्स दिया वर्कशॉप्स भी लगा रहे हैं असी तो बाकी जड़े है CBSE वालों कंडक्टेड है वो तो लगती ही नहीं बट अदरवाइज भी असी अपने आप ही प्रॉपर गाइडेंस टीचर्स में इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश के उत्ते साड़ियाँ क्लासेस चलदियाँ रहिंदियाँ ने ते बाकी जड़ा है बच्चों को किदा हैंडल करना है बिहेवियर वाइज वो सारे साढ़े काउंसलर्स है जोड़े वो साढ़े सैशन चलते रहते हैं ताकि प्रॉपर असी बच्चों क्योंकि हूँ जोड़ा ये टाइम है ये ऑलमोस्ट सारे का जोड़ा माइंड सैट है वह भी चेंज होया क्योंकि बच्चे घर बैठ गए उन्होंने पंक्चुअलिटी की प्रॉब्लम तो आएगी आएगी क्योंकि बच्चे देर न उठते हैं टाइम के उत्ते मतलब नहीं तैयार होंगे बट थोड़ा टाइम तो लगेगा इन प्रॉपर इस गल तो उभरते हुए सानू
लेकिन वी आर होपफुल के असी अच्छे मतलब साढ़े को एडमिशन आनगी बच्चे अच्छे आएंगे तो वी आर होपफुल के नैक्सट ईयर अच्छा होगा सारे वास्ते। थैंक यू मैडम।